नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यातायात पुलिस के द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, बिना रिफ्लेक्टर एवं नो पार्किंग मोटरसाइकिल में 3 सवारी वाहन पर की गई कार्रवाई। मोटर यान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 78 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 23,400 रुपए लिया गया समन शुल्क। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर जारी रहेगी निरंतर कार्रवाई। यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी जा रही है। दिनांक 27/2022 को यातायात पुलिस द्वारा मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुल 78 वाहनों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर वाहनों से संबंधित कागजात पेश नहीं करने पर 3 वाहनों के चालकों पर 900 रुपये, नंबर अस्पष्ट होना 2 चालकों से 600 रुपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 2 वाहनों के चालकों से 600 रुपये, दो पहिया वाहन में 3 सवारी चलाने वाले 52 वाहन के चालकों से 15,600 रुपये, वाहन में बिना रिफ्लेक्टर लगाए वाहन चलाने वाले 7 वाहन चालकों से 2100 रुपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नहीं होना पाए गए 9 वाहन चालकों से 2700 रुपये, वाहन में पार्किंग लाइट का नहीं होना 2 वाहन चालकों से 600 रुपये, मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करना 1 वाहन चालकों से 300 रुपये समन शुल्क लिया गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहन को नियंत्रित गति से वाहन चलाने, वाहन में नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करने, वाहन का संपूर्ण दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाइश दी गई।